अजय शंकर जी, मुझे मुझे एक बात बताएं, ये जो ताजमहल वाला पूरा किस्सा है ये क्यों आया, ये ज्ञानवापी का मस्जिद का ये ढांचे का ये मसला क्यों आया? क्या ये पॉलिटिकल है या फिर ये दरअसल ये अयोध्या की लड़ाई से चला आ रहा है? वो जो चलता था ना कि आज ये अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये वो तब का नारा है क्या? देखो मीनाक्षी, ये तो बात तय है और ये लोग माने ना माने, मुगल आक्रांता बाहर से आए और भारत में मंदिरों को तोड़ा, कहीं कहीं मंदिरों को तोड़ करके उनको मस्जिद का नाम दे दिया, और वो ये स्थान हैं जो हिंदू समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि कोई दूसरी नहीं हो सकती, वहाँ कर दिया। जैसे काशी विश्वनाथ का वो स्थान, उसको मस्जिद का नाम दे दिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि जहाँ पर वो उनका जन्म हुआ था उस स्थान को बना दिया। ये जो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी मंदिर हैं जिन मंदिरों में इन्होंने नाम नहीं दिया, मस्जिद का नाम नहीं दिया, लेकिन वहाँ की सारी प्रतिमाओं के अंग भंग कर दिए। मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ कानपुर में, वहाँ भी एक शिव मंदिर है, वहाँ भी सारी मूर्तियों का अंग भंग किया। देखो इस समय देश में सारे मंदिरों की बात नहीं हो रही है, उन मंदिरों की बात कर रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू आस्था जहाँ पर प्रगाढ़ है उसमें श्री राम जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ है, श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये इन स्थानों की लोग चर्चा कर रहे हैं और उनके मन में आस्था है। उनको लगता है कि ये लोकतंत्र है, संविधान का राज्य है और हमें अपना विषय लेकर के जाना। ताजमहल में कौन सी आस्था आ गई विजय शंकर जी कि आप ताजमहल को लेकर कौन सी आस्था आड़े आ गई? जी मीनाक्षी, आप ताजमहल की बात कर रही होंगी। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, ताजमहल में जो विषय गया है वो गया है कि जो 22 कमरे बंद हैं, उन बंद कमरों में ऐसा क्या है जिनको खोला नहीं जा रहा, जिन्होंने ये प्रतिवाद किया है, जो न्यायालय गए हैं, उनका कहना है कि इसमें जो हिंदुओं के आस्था के प्रतीक चिन्ह हैं, देवी देवता हैं, ऐसे जो भग्नावशेष हैं वो सारे के सारे इन कमरों में बंद हैं। तो आखिर ये जो समाज है जो मना कर रहा है, जो खुलने देने के लिए विवाद पैदा कर रहा है, या तो इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है या तो न्यायालय के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर न्यायालय के ऊपर विश्वास है तो भी इनको स्वागत करना चाहिए कि ठीक है खोलिए देखिए क्या है इसमें, आप जाने दीजिए ज्ञान व्यापी के अंदर। शोएब जमी भी हमारे साथ जुड़ गए, इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है या तो कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है। शोएब जी, किस पर विश्वास नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है या कोर्ट पर विश्वास नहीं है? सच का सामना करने से कौन डर रहा है? मीनाक्षी जी, कल कोई मुस्लिम पक्ष उठेगा और कहेगा कि 10,000 मंदिरों की लिस्ट हमारे पास है जिसकी खुदाई करवाइए और बताइए कि कहां कहां बुद्धा स्तूपा है जो हिंदू राजाओं ने तोड़ी थी और इसके लिए हम लोग न्यायालय चलाए जाएंगे, तो क्या ये देश के लिए सही होगा? कल को कोई उठेगा कहेगा कि भाई बीजेपी का जहाँ हेडक्वार्टर उसकी खुदाई करवा दीजिए, उसके अंदर भी मजार है, और हम न्यायालय से मांगेंगे कि भाई खुदाई करवा के पता करवाइए और कुछ ना निकले तो हम कहेंगे तो आप साक्ष्य लेकर जाएंगे ना तो कोर्ट आपको भी अलाउ करेगा? इस तरह की जो लॉजिक है सर, हालांकि मेरा इस पर रिस्पॉन्ड करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि अगर आप साक्ष्य लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो कोर्ट आपको भी वेलकम करेगी। जी, इसलिए मैं साक्ष्य दे रहा हूँ। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो एक चीज सीख चुके हैं, वे औरंगजेब के वंशज हैं, आप क्या औरंगजेब को नहीं मानते? शायद आपको पता होगा कि जितने भी मुगलों के बारे में जो इतिहास लिखा है इस देश में, मुगल की जो गाथा लिखी है, मुगलों की जो जिन्होंने बड़ाई की है, वो सब लिखने वाले हिंदू ब्राह्मण ऊंची जाति के जो राइटर थे उन्होंने लिखे या अंग्रेजों ने लिखे, किसी एक मुसलमान ने भी औरंगजेब के बारे में कोई इतिहास नहीं लिखा। तो हमने जो जाना औरंगजेब के बारे में या मुगलों के बारे में जो उनकी अच्छाइयां थी वो हिंदू ब्राह्मण और ऊंची जाति के राइटरों से जाना है, तो उनसे सवाल कीजिए। दूसरी बात, एक प्रोमिनेंट राइटर है DN झा, उन्होंने अपनी किताब ग्रेन अगेंस्ट द नोटेड में लिखा है कि भाई अशोका ने, चोला ने, जुलुका ने, उस किताब को भी पढ़िए, हजारों हजार जो है वो बुद्धा स्तूपा को तोड़ करके मंदिर का वहां निर्माण किया, चाहे वो नालंदा में था, राजगीर में था, देश के और विभिन्न कोनों में था।
इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, बुद्धा को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। आप ये सद्भावना निभाइए, सारी मंदिरें उनको वापस कर दीजिए जिनके बारे में इतिहास में जिक्र है। दूसरी किताब का नाम ले लूं मैं। जी मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे पूछा कि जो याचिका करता है उसकी याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है, समस्या क्यों आ जाती है? ये क्यों एक डर और एक भय एक वर्ग में पैदा हो जाता है कि उनको लगता है कि उनसे जुड़े हुए सभी मॉन्यूमेंट्स के नाम चेंज किए जा रहे। ताजमहल का नाम तो कोई नहीं बदल रहा, लेकिन अगर 22 कमरों का दरवाजा कादरी साहब खोल दिया गया, सच केवल जानना ही तो है, ऐसा तो नहीं ताजमहल की महिमा कम हो जाएगी, वो वर्ल्ड वंडर्स में नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है कादरी जी? मैं मीनाक्षी जी एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। मैडम सबसे पहली बात ये है कि जो काम किए जा रहे हैं किस लिए किए जा रहे हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सारा देश जानता है। ये मसला है दिल्ली की गद्दी का, और हम आपके चैनल के माध्यम से एक काम ये बात खुलेआम हम कहना चाहते हैं कि आप 2024 का भी चुनाव जीते और 2029 का भी चुनाव जीते, आप गद्दी पर बैठे रहे, लेकिन एक भारतीय होने के नाते जो मुसलमानों के हक है वो हक आप मुसलमानों को देते रहे, उनकी इबादत गाहों की तरफ आप ना देखें, चाहे ज्ञान व्यापी हो, चाहे ताजमहल हो। आज आपने कुतुब मीनार के पास तमाशा देखा दिल्ली में, तो ऐसे तमाशे तो जो है ये सियासी तमाशे चलते रहेंगे, लेकिन हम हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से हम ये आग्रह करेंगे कि आप ये जितने चुटबैये नीचे के नेता है इनकी जबानों पर रोक लगाएं और एक पॉलिसी के तहत काम करें और देश को विकास की तरफ जो कादरी जी जाना है वो विकास की तरफ लेकर। कादरी जी देखिए आप इसमें जो सियासत की बात कर रहे हैं मैं उस पर शहजाद से जवाब लूंगी, लेकिन बुलंदशहर में एक शिव मंदिर के अंदर न सिर्फ मुसलमान भाइयों ने वजू किया, उन्होंने नमाज भी अदा की। वो सेक्युलरिज्म आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ या कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा के पाठ की कोई पक्षधर नहीं हूँ, ये अपने अपने आस्था का विषय है, लेकिन अगर किसी ने जाके वहां पे बजरंगबली का पाठ कर भी दिया तो इससे सेक्युलरिज्म खतरे में कैसे आता है? मैंने दो मिसालें आपके सामने रखी। सेक्युलरिज्म में खतरे में आना नहीं आना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शरारत के तहत जो काम किया जाए, हमारे देश की अमन की फिजा को बिगाड़ने के लिए जो काम किया जाए, जो राज ठाकरे महाराष्ट्र में कर रहे थे। देखिए आप, योगी जी ने लाउड स्पीकर पर काम किया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सबके साथ एक समान काम किया, हमने उसको कबूल किया, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जहां पर मुबारकपुर के मदरसे को तोड़ दिया गया उस पे एतराज है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस देश में जो है किसी तरीके से अमन शांति पैदा हो, ये सियासी झगड़ों के लिए आप देश की अमन शांति को खराब ना करें। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। ना कोई मकबरा तोड़ा जाना चाहिए और ना ही कोई मंदिर तोड़ा जाना चाहिए जैसे अलवर में तोड़ दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।